देख सकते हैं दोस्त कि हमारा उंगली में थोड़ा चोट लग गया है, तो काफी दर्द भी हो रहा है बहुत जोर से। अभी अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली का, हम आपको नजारा दिखाते हैं, देख सकते हैं। आज जाएंगे घर, आज गाड़ी है हमारा सामने, घर जाके हम कल से आपको घर का ब्लॉग दिखाएंगे। अभी हम दिल्ली का नज़ारा दिखाते हैं। तो स्टेशन पे देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो चलते हैं, फ्रेश व्रेश होंगे और फिर खाना खाएंगे। भूख बहुत ज़ोर से लगा हुआ है कल से, मतलब कल मेरा फास्टिंग था इसके वजह से खाना नहीं खाए, तो आज जाके चलते हैं पहले बाहर और बाहर में जो भी मिलेगा बढ़िया वो खाना खाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्त कि दिल्ली काफ़ी बिजी शहर है, तो भीड़ देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए छोला भटूरा का हमको दुकान दिख गया, तो देखिए छोला भटूरा ले लेते हैं और फिर खाते हैं। तो देखिए दिया 30 का 2 पीस और साथ में अचार भी दिया, तो चलिए खाते हैं और खाना खाने के बाद चलते हैं वही स्टेशन पे, गाड़ी पे का इंतज़ार करेंगे। तो देख सकते हैं हम स्टेशन पर आ चुके हैं और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, भीड़ हालांकि बहुत ज़्यादा है। तो चलिए जब गाड़ी आएगी तो फिर देख सकते हैं कि गाड़ी आ रही है, तो चलते हैं अंदर बैठेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं कि चढ़ने के लिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा चढ़ने के लिए। तो देख लीजिए चढ़ चुके हैं और यहाँ पर अपना बैग रख दिए हैं, अब आराम से ट्रेन खुलने का इंतज़ार करेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं कि ट्रेन खुल चुकी है, तो अब धीरे धीरे कल पहुंचेंगे घर। तो ये देख सकते हैं कि हम बैठे हुए थे तब अचानक, मतलब ऊपर में तो पंखा में उंगली चल गया हमारा, तो जिससे हल्का मतलब कि वही चोट लग गया, हल्का कट भी गया। तो चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं घर और घर में इसका ट्रीटमेंट वगैरह करवा लेंगे, तो फाइनली ठीक हो जाएगा। आज का ब्लॉग यहीं पे